एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज राहुल गांधी जी की आज टास्क फोर्स हो चुका है और आज राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के सर्वसभा हो चुके हैं। मैडम, आज राहुल गांधी जी को ताजपोशी हो चुकी है और आज वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो युवा एक उभर के आए, तो आप क्या मानना है आपका? देखिए, युवाओं में एक नया उत्साह है और एक नई स्फूर्ति मिलेगी पार्टी को। हम सब पूरी टीम उत्तराखंड से आए हुए हैं यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए और हम उम्मीद करते हैं कि राहुल जी के नेतृत्व में पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी और युवाओं और महिलाओं को अच्छा प्रतिनिधित्व मिलेगा। मैडम, बहुत दिन से एक कास लगाए जा रहे थे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा, अगर इसको एक बार हम ये कहें कि ये वंशवाद है तो आप इसको क्या मानेंगी? वंशवाद का मतलब ही नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, नेता का बेटा नेता ही बनेगा, और क्या बनेगा? जो बचपन से देखता आया है, जो उसकी ट्रेनिंग हुई है डे वन से, वही बनेगा, या तो वो लायक ना हो। राहुल जी बहुत लायक हैं, बहुत काबिल हैं और उस नेतृत्व करने की क्षमता है, तो ऐसा इसमें वंशवाद वाली कोई बात ही नहीं है। ये एलिगेशन और दुष्प्रचार सिर्फ भाजपा करती है, जिससे कि लोगों को गलत गुमराह करने के लिए करती है। राहुल जी एक बहुत काबिल नेता है और हम युवाओं की बहुत समय से मांग रही है कि राहुल जी को आगे आकर फ्रंट से लीड करना चाहिए, बल्कि पिछली कांग्रेस सरकार में भी उनको एक मंत्री पद लेना चाहिए था और एक अच्छी पोस्ट लेकर अपनी कैपेबिलिटी का प्रदर्शन करना चाहिए था। आपका नाम? जिंदाबाद। जिंदाबाद। आपका नाम? शिल्पी अरोड़ा, उत्तराखंड जनरल सेक्रेटरी। धन्यवाद।